देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए दूसरे राज्यों की भीड़ अपने आप सभाओं में उमड़ती दिखी। इसे योगी का चाम ही कहेंगे कि जहां उन्होंने अपना कदम रखा सभाएं की, वहां वहां कमल खिला। सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है। उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। योगी की लोकप्रियता, उत्तर प्रदेश में विकास की लहर और सड़क से लेकर सदन तक कड़ी कानून व्यवस्था की गूंज, यही कुछ वजह रही जिसने लोगों को योगी की तरफ खींचा। और इसी का नतीजा है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों में योगी की जनसभा, रोड शो के लिए होड़ मची रही। कि विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार के बहुत पाप है। आज आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते होंगे ना, आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, एकदम शांति है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। यूपी में कभी हर दूसरे दिन दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, कई कई महीनों तक कर्फ्यू रहता था। पिछले 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज राजस्थान के अलवर सीट से किया, जहां से महंत बालकनाथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो योगी आदित्यनाथ का ही संप्रदाय है। बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। इसके बाद 1 नवंबर से 26 नवंबर तक योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ ने पूरे नवंबर महीने में करीब 15 दिन रैलियों और रोड शो में गुजारे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की 40 विधानसभा सीटों को कवर किया। इसी तरह मध्य प्रदेश की 28, छत्तीसगढ़ की 13 और तेलंगाना के 9 भाजपा प्रत्याशियों का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रोड शो किए, वहां वहां उनकी गाड़ी जीप का रथ साबित हुई। जहां जहां योगी ने जनसभाएं की, वहां वहां उस धरती पर कमल खिला और इस बात पर मुहर लग गई कि चुनाव में जीत का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ है। आंकड़ों से समझिए, योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें से लगभग 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। राजस्थान में 8 जिलों में प्रचार किया, जिसमें से लगभग 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में प्रचार किया, जिसमें से लगभग 15 सीटों पर कमल खिला। इन आंकड़ों और योगी की लोकप्रियता से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय के सूत्रधार बने हैं। चुनावी जीत में बीजेपी के लिए योगी सबसे उपयोगी साबित हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम योगी ने बीजेपी के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर खुशी जताई और इसका श्रेय पीएम मोदी को दिया। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया है और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं इन शानदार विजय के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
बधाई देते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चार राज्यों के चुनाव परिणामों में तीन राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। सीएम योगी ने चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी बताया है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। इन विधानसभा चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कैंपेन के प्रमुख चेहरे थे। उन्होंने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी। इतना ही नहीं, सीएम योगी के भाषण